24 इंडिया टीवी झारखंड बिहार। 23 अक्टूबर को दुकान में लगी भीषण आग मामले में आज बाला पोखर गांव पहुंचे आकाश पांडे। दरअसल खबर तालझारी थाना क्षेत्र के बाला पोखर गांव की है, जहां अमित कर्मकार व अंबित कर्मकार की दुकान में लगी आग मामले को लेकर आज आकाश पांडे ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा अब तक इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि बड़ी दुख की बात है। साहिबगंज से हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर अली की रिपोर्ट। नमस्कार जोहार, आज हम लोग अपने दौरे के क्रम में राजमहल जाते वक्त हम लोग आज राजमहल सुखसेना मुख्य चौक पर हम लोग अभी यहाँ पर किराना दुकान है वहीं बैठे हुए हैं। और यहाँ आने का जो मुख्य कारण यह था कि बीते 23 अक्टूबर 2022 को इस किराने दुकान में एकाएक शायद शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है इसका मुख्य कारण। शॉर्ट सर्किट के कारण जो है बहुत भयावह आग लगा हुआ था और आग इतना ज़्यादा भयानक था कि ये बगल का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बगल में सिलाई का काम होता था और इस घर में भी आग का चपेट बहुत ज़्यादा देखने को अभी भी मिल रहा है। और हमने घर का पूरा अंदर तक हमने देखा, पूरे घर के अंदर तक में आग जो है भयानक तरह से बुरी तरीका से आग के कारण सामान क्षतिग्रस्त हुआ है, वो साफ देखने को अभी भी मिल रहा है। अब चूंकि यह किराना का दुकान है और इनका दुकान आज के दौर में कोई व्यापार करता है तो बैंक से कुछ ना कुछ जरूर लोन लेता है, कर्जा लेकर ही काम करता है और जो इनकम होता है उसमें से बैंक का कर्जा भी चुकता होता है। उस नाते देखते हुए कि दुकान जो जल गया था पूरी तरीके से, तो अब ये लोग भी रिपेयर कर रहे हैं। और अमित कर्मकार जी का अभी का दुकान है नहीं वाला, तो 23 तारीख को ही आग लगा, तो बहुत सारा चीज़ जलता जला हुआ होगा आग में। दुकान में जितना भी सामान था हाँ हाँ बचा नहीं, सारा कुछ जल गया। कितना का नुकसान हुआ होगा अनुमान? 20 लाख का नुकसान ये बता रहे हुआ था। और कोई सरकारी मतलब अभी तक सहायता आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आप लोग से मुलाकात की है कि नहीं? नहीं, कोई भी नहीं, एकदम पक्का? सीआई साहब आए थे, तो सीआई पे मान के चलिए वो तो एक सरकारी अधिकारी हुए, मतलब कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि वगैरह कोई नहीं आए? जनप्रतिनिधि को फोन किया गया तो वो भी तो भेंट करने के लिए नहीं आए। अच्छा, तो देखिए दुख की बात है क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए या उनका जो क्षेत्र होता है वह एक घर के समान होता है और वो इस क्षेत्र के मुखिया हैं, अपना परिवार का एक गार्जियन होते हैं। इसी कारण उस नाते उनको एक बार जरूर आना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र का घटना है और अपने घर अपने द्वार अपने समाज इस प्रकार का घटना घटा है, तो जनप्रतिनिधि का भी एक फर्ज होता है कि उनके घटना स्थल पर आए। क्योंकि आग जो यहाँ पे लगी थी वो करीब करीब 20 लाख का नुकसान बता रहे हैं, तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा भयावह आग होगा। तो कोई भी जनप्रतिनिधि देखने नहीं आया, खैर ये बहुत ही दुखद है और अफसोस की बात है कि घर में इतना बड़ा हादसा हुआ और घर का कोई भी